जिनके बाप पे बराबरी न हुई उनकी औलाद बराबरी करने की सोच रही है। सो हे गाइज, अभी के टाइम पर ये वेट फॉर एंड वाली रील्स काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, तो दोस्तों आप भी इस पर अगर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करते हो तो दोस्तों आपके रील्स के अच्छे खासे व्यूज़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइव तक देख लेना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आप फिर बोलोगे कि भाई मेरे वीडियो समझ में नहीं आया, कमेंट में बोलोगे, तो दोस्तों आपको वीडियो को लाइव तक देख लेना है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों आगे मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वीडियो की पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों चलिए। सो गाइज, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस स्कूल के सामने आ जाता है। मुझे सिंपली से प्लस वाले आइकन पे चले जाना है। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे फोटो वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से मुझे एक नॉर्मल फोटो को ऐड कर देना है। सबसे पहले इसको ऐड कर लेने के बाद दोस्तों दूसरी फोटो मेरी एडिटिंग फोटो को सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से नॉर्मल और एडिटिंग फोटो को दो फोटो को ऐड कर लेना है और एरो वाले ऑप्शन पे डन कर देना है। एरो वाले ऑप्शन पे डन कर देने के बाद दोस्तों दोनों फोटो मेरे सामने आ जाती है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों मुझे लाइस्टर में चले जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है। ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर देने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के फस्तर में आ जाना है। वीडियो के फस्तर में आ जाने के बाद दोस्तों मुझे म्यूजिक वाले ऑप्शन पर चले जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों एक म्यूजिक को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से एक म्यूजिक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से म्यूजिक को चूज़ कर लेता हूँ। इसको चूज कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये म्यूजिक हमारे वीडियो पे लग जाता है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों मुझे म्यूजिक पे चले जाना है, वीट पे चले जाना है। वीट पे जाने के बाद दोस्तों एक वीट मार्क कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मुझे म्यूजिक के लाइस्टर में जाके देख लेना है कि हमें वीट को कहाँ से मार्क करना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि वो वीट कहाँ से मार्क करना है, अपने वीट के हिसाब से, वेस के हिसाब से कर लेना है। तो दोस्तों 6.71 पे कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। इसको डन कर लेने के बाद दोस्तों इसको डन कर देने के बाद दोस्तों फर्स्ट फोटो के मेरे वीट के बराबर रख देना है, कुछ इस प्रकार से इसको बढ़ा देना है और मेरी वीट के बराबर रख देना है, कुछ इस प्रकार से। जैसे कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ, आपको भी उसी प्रकार से कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। इसको कर देने के बाद दोस्तों लाइट फोटो पे आ जाना है और इसका ड्यूरेशन मुझे मेरे ऑडियो के बराबर रख देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है, कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। इसको कर देने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो के फस्तर में आ जाना है। वीडियो के फस्तर में आ जाने के बाद दोस्तों इस फोटो के आपको स्प्लिट कर देना है, दो पार्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं ऐसे स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट कर देने के बाद दोस्तों फर्स्ट फोटो पे आ जाना है, एनिमेशन पे चले जाना है, जूम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जूम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों इसमें जूम इन वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप कोई सा भी रख सकते हो और डन कर देता है। डन कर देने के बाद दोस्तों दूसरी फोटो पे आ जाना है, फिर से जूम वाला ऑप्शन पे चले जाना है, जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है। इसको कर देने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे आ जाना है, एफएक्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और वाइट वाला सेलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार से बढ़ा देना है। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो और भी अच्छा लगेगा। और डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों दोनों पार्टों के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद दोस्तों जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से और इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है और डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर चले जाना है, सेकेंड फोटो के फस्तर में चले जाना है, एनिमेशन पर चले जाना है, जूम इन वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और इसका ड्यूरेशन बिल्कुल कम कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसको कर देने के बाद दोस्तों डन करके मुझे जूम वाला ऑप्शन पे चले जाना है। जूम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर देना है और डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के फस्तर में आ जाना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर जाने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस स्कूल के सामने आ जाता है। मुझे वीडियो टाइटल पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस स्कूल के सामने आ जाता है। मुझे यहाँ पे कीपैड पे चले जाना है। कीपैड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है वेट फॉर एडिटिंग, कुछ इस प्रकार से कर देना है। इसको कर देने के बाद दोस्तों कलर पे चले जाना है, कलर पे चले जाना है और यहाँ से ब्लैक वाला चूज़ कर लेना है और डन कर देना है। इसको डन कर देने के बाद दोस्तों मुझे मोशन पे चले जाना है। मोशन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेडुलम पे चले जाना है। यहाँ पे पेडुलम वाला सेलेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिएगा दोस्तों।
इसको कर देने के बाद दोस्तों डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन मेरे वीट के बराबर रख देना है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। इसको कर देने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं वीडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिनके बाप का बराबरी न हुई उनकी औलाद बराबरी करने की सोच रही है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।